इलेक्शन का बिगल इस प्रोग्राम में साढ़े नाल ने सरदार हरमीत सिंह जी कालका जनरल सैकटरी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी असं जी आखते हैं वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। हरमीत जी इलेक्शन का बिगुल वज चुका है और डेट भी अनाउंस हो गई है कोर्ट वालों, की कहना चाहोगे इस मौके के उत्ते? देखो बड़ी खुशी की गल है कि समय सिर क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम के समय सिर इलेक्शन होना बहुत जरूरी गल है और खास तौर पर मैं समझता गुरुद्वारा प्रबंध जिस वक्त जिथे कोई अज की डेट की सीमा नहीं रहेगी एक दूजे के उत्ते लालचन लाने की, ठीक है, तो उस समय के बड़ी वड्डी जिम्मेवारी बनती है पर एज बतौर प्रबंधक कि सानू इलेक्शन समय सिर कराइए और जिस तरीके दे नाल मार्च के टेन्योर खत्म होया असी अप्रैल की इलेक्शन जिस तरीके सरकारां नूं अप्रोच करके करवाई थी, ठीक है, और इलेक्शन चलते हुए जिस तरीके का माहौल बन गया सी जिस तरीके दे नाल एक वेव पार्टी के हक के क्योंकि जो सेवावां कीतियां जो वादे पूरे किए हैं जो लोगों नूं फैसिलिटीज़ दित्तियां उन्हों देख दे जिस तरीके दे नाल श्रोमणी अकाली दल के हक के जिहड़ी ये वेव बन गई सी लगातार अगे वध रही सी और जिथे कोविड की महामारी शुरू हो गई सरकार नूं ये इलेक्शन पोस्टपोन करनी पई और उस वेव नूं देखते हुए साढ़े विरोधियों नूं भी भाना मिल गया कि असीं इहनूं किसी ना किसी तरीके अलग कराइए अगे कराते चले जाइए और लगातार सरकारां दे उत्ते प्रभाव पाना शुरू किया सरकारां नूं गुमराह करन की कोशिश की मगर असी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए कोर्ट के मूव किए और एप्लीकेशन बतौर मैं श्रोमणी अकाली दल के प्रधान दे और जनरल सकत्तर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैं मूव की और उदा कल कोर्ट माननीय कोर्ट ने उदा जिस वक्त दिल्ली सरकार को पूछा कि भाई तुम इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे तो उन्होंने अपना डिसीजन देना पाया कि असी 22 अगस्त को जी है वह इलेक्शन करा जा रहे। श्रोमणी अकाली दल इलेक्शन के किड़े मुद्दों लैके या कि चीज़ों लैके इलेक्शन लड़े? देखो मुद्दे मैं समझदा कि गुरु घर की सेवा के मुद्दे कभी खत्म नहीं होंगे क्योंकि रोज़ के रोज़ एक नवी चुनौती है गुरु घर के प्रबंध में चलाने की चुनौती है गुरु घर की जी सिख कौम है उन्होंने अगे वधाने की चुनौती है और कौम जी है गाइडेंस देने की कौम अवेयरनैस कर बड़ी वड्डी लोड़ है जी वो चुनौतियाँ साढ़े सामने आदि ने तो मैं समझदा कि जी इलेक्शन के जाना है इलेक्शन के जोड़ा असं काम किया और मैं खास तौर पर जो 2 साल क्योंकि उस तो पुराना जोड़ा समय से सरदार मनजीत सिंह जी के प्रधान रहे हैं और जवाबदारियां उन्होंने ही देनिया पैणगी उन्होंने अपने समय की चोरिया की मगर जी सा जिम्मेवारी बनती है खास तौर पर 2 साल की वह जिम्मेवारी असी जो सेवावान की हैं कोविड काल के जो लोगों के घर लंगर पहुँचाने की गल की है जो बाला प्रीतम दवाखाना खोलिया गया MRI खोली गई किडनी हॉस्पिटल खोलिया गया कोविड केयर सेंटर खोलिया गया सुंदीकरण और जरा नवीनीकरण लंगर हाउस का होया भावें बंगला साहब ले लो भावें सीसगंज साहब हुए इसे सारे काम जोड़े 2 साल हुए ने स्कूलों दनखावान स्ट्रीमलाइन से लियाना बड़ी वीड्डी चैलेंज से उन्होंने लैके आया और जरा 20 साल तो जिदे उत्ते सियासत होंगी सी गुरुद्वारा बाला साहब हॉस्पिटल उन्होंने जरा असं शुरू कर जा रहे हैं अगस्त के पहले हफ्ते के मैं समझदा सारे कामों संगत में लैके जाना कौम के लिए हर पीड़ा के जिते खड़े होने की असी कोशिश की है जिथे लोगों लोड़ पई है जिथे साडे समाज में लोड़ पई है असी उन्हां वास्ते नाल खड़े हुए हैं भावें कश्मीर का मुद्दा होए भावें हैदराबाद हजूर साहब का मुद्दा होए भावें किसानों दी जमानतों की गल होए सो हर गल के उत्ते जिथे कम्यूनिटी को लोड़ पई है श्रोमणी अकाली दल और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की साड़ी इस टीम ने खड़े होए हैं असी एक काम लोगों के लैके जा रहे हैं। हरमीत जी एक गल जिहड़ी जरूर चर्चा का विषय रहिंदी है कि जिवें तुसीं कहा कि पिछले 6 साल का हिसाब प्रधान मनजीत सिंह जी के सीगे ते उन्हां दी जवाबदेही सीगी वह भावें चंगे काम होण या माड़े काम होण ते उसे नूं अगर असीं हुण लईए 2 साल दे विच ते फिर एज ए जनरल सैकटरी कोई जिम्मेवारी या कोई तुहाडे ते नहीं आती सब जो है प्रधान ते आती है कि जो चंगे काम या जो सवालिया निशान सब प्रधान दे कोई जवाबदेही या कोई वो नहीं बनती? देखो एक टीम का कैप्टन हुंदा नाम उहदा लिखा जांदा मैं कई बार यही गल करदा कि जिहड़ी हर एक टीम दे विच हर बंदे दा अपना रोल है किसी ने सेंटर फॉरवर्ड की गेम खेडनी किसी ने सेंटर हाफ की गेम खेडनी मगर जिहड़े मैडल पैंदे ने ना गले दे विच उहदा वजन वध घट नहीं हुंदा बराबर दा हुंदा सो जे अगर टीम दे कैप्टन दे उत्ते इस वक्त लीड कर रहे हैं दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं सिरसा जी तो जिहड़ियां जिहड़े भी जिहड़े उन्होंने उत्ते सवालियां होणगे तो उन्होंने उत्ते होणगे और सारी टीम उन्होंने नाल खड़े होकर उस चीज़ का जवाब दिंदी है सो मैं समझदा कोई इहो जी कोई वखरी हुई गल नहीं है कि सिरसा जी दे वध घट असीं हर चीज़ के सारे फिर उस चीज़ नूं लईए ते मनजीत सिंह जी के वेले भी टीम का जवाबदेही बनती है? नहीं देखो बिल्कुल बनती है मगर जवाबदेही उस वक्त बनती है जब तुहाडे विच ट्रांसपेरेंसी होए जब तुसीं ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी तो फिर किस गल की जवाबदेही है
जब तुहाड़े सीनियर मीत प्रधान नूं नहीं पता कि तुसीं किसी नूं 51 लाख रुपया किसी बाबा जी नूं दे रहे हो, तो तुसीं तुहाड़े मीत प्रधान नूं नहीं पता, तुहाड़े किसी ऑफिस बीरो नूं नहीं पता, करोड़ां रुपए की जायदाद का तुसीं केस हार जांदे हो और तुसीं अपने किसी ऑफिस बीरो नाल किसी नाल एग्जैक्टिव नाल गल नहीं करोगे तो जिम्मेवारी नहीं है। अज असी मैं और सिरसा जी हॉस्पिटल बना रहे हैं, परचेज कमेटियां बना रखिया ने, असी फाइनेंस जिहड़ा आ रहा उहदी एक एक चीज़ जांच करन दी अलग कमेटी बना रखी है, दिल्ली के टॉप के सीएस की जिम्मेवारी लगा रखी है, अपनी पावर्स नूं अगे डेलीगेट किया होया कि लोगों काम करवा से। सरदार मनजीत सिंह जी के समय के जेड़े इल्जाम लगे ने वो उन्हां च बिलों के उत्ते लगे ने जिहड़े सरदार मनजीत सिंह जी के कल्ले साइन हों या उन्होंने जीएम जिहड़ा उन्होंने चेहता सी जिदे करके सारिया चोरियां शुरू हुई करके हो। अज भी दिल्ली कमेटी जी जिम्मे क्या कि टीम का जवाबदेही होंगी है, तो दिल्ली कमेटी के उत्ते कई सवालिया निशान जड़े ने वो पैदा होंगे ने, भावें वह होस्पिटल में लैके हो एम आर आई लैके हो लंगर वेचन की गल हो बड़े ऐसे मुद्दे ने। अज सू समा इजाजत नहीं देता अगले फिर किसी प्रोग्राम क्योंकि कई सवालिया निशान ने जोड़े आम संगत के मन के ने जोड़े सोशल मीडिया के नज़र आते हैं। हरजोत जी तुम गल ठीक की है कि सवालिया निशान ने, मगर मैं चाहवागा कि जो अगले एपीसोड करो तो जल्द तो जल्द करो क्योंकि जवाब देने मैं उन्ना ही तत्पर रहा जिन्हें लैन दी। जरूर जी, असी अगले प्रोग्राम के जोड़े सवालिया निशान अज दिल्ली कमेटी से चुके जाते हैं उन्होंने लैके चर्चा करा अगले प्रोग्राम जरूर सांझ करा। फतेह जावे, वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह।